वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नया लेसन नंबर 15 शुरू करेंगे जो कि लेसन नेम है द मैंस कप। लेकिन उसके बारे में हम लोग कुछ शॉर्ट में जान लें इंट्रोडक्शन उसके बारे में, जो कि लेसन नंबर 17 है। यह आपके लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16 जो आगे आ रहा है द मैंस कप एंड द वर्फ्स कप, ये एक इंसान के बच्चे से रिलेटेड कहानी है जिसके बारे में आप यहाँ देखें द स्टोरी ऑफ मोगली, मोगली की कहानी। वो इंसान का बच्चा है जिसका नाम मोगली है, उसकी कहानी है ये आपका लेसन 15 और लेसन 16। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आएगा। लेकिन आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं। द स्टोरी ऑफ मोगली, मोगली की कहानी। मोगली इज अ ह्यूमन चाइल्ड रेज्ड बाय द वर्फ पेरेंट। मोगली एक आदमी का बच्चा है जिसके पेरेंट भेड़िया है। He grew up with a pack of wolves, learning to hunt and eat like them. वह भेड़ के झुंड में, भेड़िया के झुंड में वो बढ़ता है और वो उसी की तरह से खाना, उसी की तरह से शिकार करना सीखता है कि भेड़िया किस तरह से शिकार करता है, किस तरह से खाता है, उसे सीखता है। अदर एनिमल्स आर हिज फ्रेंड्स टू, दूसरे एनिमल, दूसरे जानवर भी उसके दोस्त है। बट ही हैज अ फायर्स एंड डेंजरस एनिमी शेर खान द टाइगर। लेकिन उसका एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी है, उसका नाम है शेर खान, जो उस जंगल का बादशाह है। शेर खान टाइगर जो बाघ है, वो क्या नाम है उसका, शेर खान। द स्टोरीज ऑफ मोगलीज एडवेंचर वर रिटन बाय द ब्रिटिश ऑथर एंड पोएट रुडयार्ड किपलिंग। ये इस स्टोरी को मुगलीज का एडवेंचर, मुगली के इस कहानी को, इसकी अद्भुतता को लिखने वाले ब्रिटिश ऑथर हैं जिनका नाम रुडयार्ड किपलिंग है। He was born in Mumbai, now called Mumbai, and lived in India for many years. वो रुडयार्ड किपलिंग मुंबई में, जो कि अब बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई कहलाता है, जो कि इंडिया में है, वहाँ पैदा हुए और वो इंडिया में कई साल रहे। The Mowgli Tales are included in Kipling's most famous book, The Jungle Book. यह मुगली की कहानी जो ली गई है, ये किपलिंग की, ये आपका रुडयार्ड किपलिंग है, उनकी बहुत ही मशहूर किताब है द जंगल बुक, उनसे ली गई है, जो कि 1894 में पब्लिश हुई थी, पब्लिश इन 1894। These tales have excited children and adults for more than a century, and they are still popular across the world. ये कहानियां बच्चों को और साथ में जवानों को भी बहुत ही एक्साइटेड करती है। सदियों से, कई सदियों से, सेंचुरी से ये एडल्ट को और चिल्ड्रेन को एक्साइटेड करते हैं। जो अद्भुत तरह की कहानी होती है तो उसको लोग गौर से सुनते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, तो उस तरह की ये कहानी है। द टू लेसन डेट फॉलो, ए मैंस कप एंड ए वर्फ्स कप, टेल अस हाउ मोगली रीच द जंगल एंड हाउ शेर खान बिकेम हिज एनिमी। तो ये दो लेसन जो आपको आएगा, लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16, लेसन नंबर 15 द मैंस कप एंड लेसन नंबर 16 द वर्फ्स कप, ये मोगली के बारे में बता रहा है ये कहानी। ये दोनों लेसन मोगली के बारे में है कि वो कैसे जंगल में पहुंचा और शेर खान उसका दुश्मन कैसे बन गया। तो इस कहानी को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। लेसन नंबर 15 को हम लोग शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को इंटरेस्टेड लगेगा, आपको इसको सुनने में इंटरेस्ट आएगा और आप इस कहानी को सुनने के लिए मेरे वीडियो को पूरा सुनेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, उनसे शेयर करेंगे। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 15 को शुरू करेंगे, जो कि मोगली की कहानी है। वो मोगली की कहानी क्या है, वो आदमी का बच्चा है और उसे भेड़िया पालता है, उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। शुक्रिया।